से हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर के पास, और इधर से हम लोग अब सीधे जाएंगे डाक बंगलों की ओर। बहुत क्राउड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारी झांकियाँ निकल चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों की टोली, और अभी बहुत सारी झांकियाँ उधर से आ ही रही है, तो सारी झांकियाँ भी मिलेंगी हम लोग को डाक बंगलों पर। तो चलिए चलते हैं डाक बंगलों। अभी हम लोग तारा मंडल आदित्य विजन के वोल्टास मोड़ के पास पहुंच चुके हैं, और आप यहां पे सजावट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से की गई है। तो सारे बिल्डिंग को भी बहुत बखूबी तरीके से सजाया गया है, और अभी हम लोग आगे चलेंगे, चल गए यहां से सीधे डाक बंगलो, क्योंकि तो सारी झांकियां यहीं पे आकर मिलने वाली है। तो चलिए चलते हम लोग आगे, अभी आप देख सकते हैं सजावट यहाँ का, आप देख सकते हैं सजावट तारा मंडल के पास की है। अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे, आप देख सकते हैं लाइटिंग कितने अच्छे तरीके से किया गया यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं सारी झांकियाँ आगे से जा ही रही है, अभी जस्ट इसके आगे हमें मिलेगा अपना कोतवाली थाना। यहाँ आप देख सकते हैं पटना की सड़कों को कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया, आप देख सकते हैं सब जगह को अच्छे से। तो हम लोग पहुँचने वाले कोतवाली थाना आगे, यहाँ पर भी लाइटिंग की व्यवस्था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको सजाया गया है, पीछे से देखिए झांकियाँ आ ही रही है, आगे पीछे सिर्फ यहाँ पे आपको झांकियाँ ही दिखेगी। चलिए हम लोग सीधे अब चलते हैं, देख सकते हैं ये सीन कोतवाली थाने के पास का है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से लाइटनिंग की गई है।
व्यवस्था की गई है। अब देख सकते हैं भीड़ तो इतनी है कि आप यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे, दशहरा से भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आगे चलते। पटना जंक्शन पहुंच चुके और अब यहाँ से मैं आपको महावीर मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देखिए ये रहा अपना महावीर मंदिर। सच के देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार है ये, इसका ब्यूटी तो देखते ही बनता है। उधर क्राउड तो बहुत है, क्राउड बहुत था आज। ये स्टेशन का गोलंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लड्डू का स्टॉल यहाँ पे भी लगाया गया है लोगों के लिए। ये देखिए स्टेशन के गोलंबर से हम लोग जब सीधे जाते हैं तो वहां पे ये रास्ता है। और आप नमः